रीवा जिले में राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार किस तरह से फल फूल रहा है, यह तो हम आपको समय समय पर दिखाते ही रहते हैं। लेकिन एक ताजा भ्रष्टाचार सामने आया है जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां देश के भविष्य गढ़े जा रहे हैं, यहां साला दान के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। दरअसल मामले का खुलासा उस समय हुआ जब उक्त राशि कक्षा अध्यापकों के द्वारा वसूल कर कार्यालय में जमा कराई गई, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब या रसीद नहीं दी गई। जब उसका विरोध हुआ तो कक्षा अध्यापक को उक्त राशि जमा करने की साधारण प्राप्ति थमा दी गई और मामला हम तक पहुंचा। हमें विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जानकारी हुई कि क्लास टीचरों के माध्यम से विद्यालय के छात्रों से साला दान के नाम पर 200 रुपए प्रति छात्र वसूले जा रहे हैं, लेकिन इस शुल्क की ना तो रसीद दी जाती और ना ही विद्यालय में कोई हिसाब किताब रखा जाता है। दरअसल मामला रीवा शहर के बीचों बीच संचालित गवर्नमेंट क्रमांक 1 का है, जहां एक क्लास से 2021-22 सत्र में 5200 रुपए एकत्र किए गए। इस विद्यालय के एक क्लास से 5000 एकत्र किए गए। अगर 9वीं 10वीं और 12वीं क्लास की बात करें और अलग अलग संकाय की बात करें तो लगभग 500 छात्र पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से 10000 रुपए एकत्र हुए। पूरे जिले की बात करें तो हजारों की संख्या में छात्र शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिनसे अगर 200 रुपए पर छात्र वसूले जा रहे हैं तो इसका मतलब लाखों रुपए विद्यालय के प्राचार्य शिक्षक हजम कर रहे हैं। उक्त मामले की सत्यता की जांच के लिए जब हमारी टीम गवर्नमेंट क्रमांक 1 पहुंची और विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र कुमार द्विवेदी से बातचीत की तो उन्होंने पहले तो साफ इनकार कर दिया। उनके द्वारा कोई शुल्क नहीं ली गई, ना तो साला विकास के नाम पर और ना ही साला दान के नाम पर। लेकिन जब प्राचार्य को वह साक्ष्य दिखाए गए जिनमें क्लास टीचर के द्वारा विद्यालय में लेखा जोखा और इस पूरी वसूली का काम देखने वाले संजय श्रीवास्तव के हस्ताक्षर युक्त कागज थे, तो उनकी बोलती बंद हो गई और स्वीकार किया कि विद्यालय की व्यवस्था बनाने के लिए शुल्क ली गई है। जबकि शिक्षक संजय श्रीवास्तव ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा शुल्क ली गई है, लेकिन किसी छात्र को दबाव नहीं दिया गया है, छात्रों ने अपने से दिया है। पूरे मामले को लेकर जब शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शिकायत मिलती है तो वह जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी के चयनित सदस्यों के द्वारा विकास के नाम पर शुल्क ली जाती है और उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, ऑडिट कराई जाती है, रसीद दी जाती है तो वह वैध है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि छात्रों से साला विकास के नाम पर कोई शुल्क नहीं ली जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी तिजोरी भरने के लिए साला विकास का नाम बदलकर साला दान कर दिया और उसी नाम से वसूली कर रहे हैं। इनके द्वारा ना तो स्कूल का विकास किया जा रहा और ना ही छात्रों के हित के लिए खर्च किया जाता है। अगर एक क्लास से 5000 रुपए वसूले जा रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे रीवा जिले में कितने विद्यालय हैं और कितने छात्र हैं जो 9वीं 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला शिक्षा अधिकारी किस तरह की कार्यवाही करते हैं। शुल्क ली जाती है तो किस तरह की शुल्क, किसके आदेश पर दिया जा रहा है? कोई आदेश नहीं है, अभिभावक द्वारा जो विद्यालय को दान दिया जाता है वही। लगभग 2021 में कितने अभिभावक छात्र को दान किया? निर्धारित होते से कब से दिया जा रहा है, कहाँ खर्च किया जाता है? विद्यालय को साफ सफाई रखरखाव छात्रों की सुविधा शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों द्वारा नहीं मिल पा रहा है, बच्चों के स्पष्ट निर्देश है कि साला विचार साला बंद करना दिया जाए, लेकिन जरिया बना गया कि साला विचार का काम साला बंद कर दिया जाए। शिक्षकों द्वारा जो जमा किया गया है प्राचार्य की जानकारी रहती है, शिक्षा नहीं कर सकते हैं जो आपके पास साला शिक्षा से जा रही है वो कौन सी शुल्क है, किस नियम से ली जा रही है, कितनी ली जा रही, किसको अथराइज किया गया? ये आपको क्लास टीचर जवाब देंगे, जिनके द्वारा जहाँ से व्यवस्था जो होगी साला दान जो है शासन भी जमीन भी जो है दान में लेती है, हैं किसी प्रकार की कोई राशि देता है वो भी देता है, बैंक इत्यादि या शासन के स्तर से या प्राइवेट बॉडी जो है तो यदि किसी प्रकार का जैसे फ्रिज है पंखा है देती है तो वो भी दिया जाता है।
तो उसी तहत की ये प्रक्रिया है, कोई इसमें हमने ना दबाव में ना किसी को दबाव डाल के किसी तरह का प्रश्न। सर 2000 शासन ने पहले से ही शिक्षा विभाग ने मना कर दिया कि शाला विकास शाला दान के नाम पर शुल्क नहीं ली जाएगी। 500 छात्र 5000 रुपए है शाला दान का क्या हिसाब किताब रहता है, रसीद रहती है कितना हर लड़के से लिया गया है, तो आखिर आपके बिना निर्देश के तो लिया नहीं जा सकता। मेरा कोई ना आदेश है कहीं ना कोई शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग का नहीं, शासन स्तर पे यदि कोई व्यवस्था इत्यादि करता है कोई तो ये है तो आप जो है अगर छात्र से व्यवस्था की अगर एक छात्र से 200 रुपए ली जाती कितने छात्र हैं अपने यहाँ, हजारों में शुल्क होती है उसका हिसाब लगभग 350-400 रहते हैं कोई शुल्क लेने का प्रावधान है। 9वीं से 12वीं तक कितने छात्र मतलब किस साल तक अभी इस साल वर्तमान में कितने साल है 2021-22 में वर्तमान में कोई भी किसी प्रकार का शाला विकास शुल्क नहीं है, शाला दान के नाम पर ली गई है। मेरे पास शाला दान नहीं है, मेरे पास जिस शिक्षक ने दिया है और जिसने लिया है उनके सिग्नेचर है कि इतनी शुल्क शाला दान के नाम पर ली गई है, इसका प्रमाणीकरण दे रहे कोई शाला दान ही नहीं किया, कोई शाला दान नहीं किया जो शिक्षक लिख के दे रहे हैं दस्तखत है झूठे, मतलब छात्रों से इस तरह कोई शुल्क नहीं ली गई। अभी आपको मैं स्टाफ में पूछा नहीं, अभी आपने कहा व्यवस्था बनाने के लिए ली जा सकती है, ली जा सकती है मैंने क्या कहा आपको, जैसे मान लीजिए कोई जमीन अपनी दे रहा है शाला के विकास के लिए तो आप मतलब उसको शासन से चर्चा करके उसको कर सकते हैं, या कोई जैसे रेफ्रिजरेटर बैंक है या कोई पानी की व्यवस्था कर रहा तो जो है तो व्यवस्था हमारी हो जाएगी, लेकिन कोई जो है तो शाला दान नहीं दी गई है, चलिए स्टाफ को दिया। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी बोले सर, ये अपने गवर्नमेंट ऑपरेटिव स्कूल है जो हाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है हाँ जिसमें शाला दान के नाम पर छात्रों से 200-200 रुपए लिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा निर्देश गवर्नमेंट रीवा हाँ तो क्या ये पूरे जिले में ऐसा कुछ चल रहा है क्या कि 200 रुपए पर छात्र लिए जाए, कुछ निर्देश दिए गए हैं ऐसे क्या? नहीं, उसमें एक ऐसा प्रावधान है कि शाला विकास यदि उनके SMDC अप्रूव करती है, SMDC एक कमेटी होती है स्कूलों में जी, वो यदि अप्रूव करती है मतलब अनुदान शाला विकास के नाम पर शाला अनुदान के नाम पर जी कुछ राशि लेते हैं, लेकिन वो पहले फर्म सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका जी, यदि ऐसा करके ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि ये नहीं किया है ऐसा कर रहे हैं तब तो दिक्कत होगी। इसका सर कोई हिसाब किताब नहीं है, और हमने अभी बात की वहाँ तो उन्होंने भी स्वीकार किया जो टीचर है पंकज श्रीवास्तव जी हाँ। कि हाँ मैंने कलेक्ट किया है क्लास टीचरों से लिया है, लेकिन ना तो उसकी कोई रसीद दी जाती ना कोई जानकारी दी जाती, साधारण कागज में नहीं गलत बात बता दिया जाता है, तो ये माना जिले में ऐसा हो रहा होगा फिर? नहीं, ऐसी शिकायत मुझे कहीं नहीं मिली है, पहली बार आप बता रहे हैं कि ऐसा ले रहे हैं फिर रसीद नहीं दे रहे हैं, जहाँ कहीं लेते हैं वो रसीद देते हैं, फर्म सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने उसका संस्था का हाँ। तो अभी जो सर पहले विकास शाला विकास के नाम पे ली जा रही थी तो शायद उस पर तो रोक लगा दी गई थी छात्रों से शाला विकास के नाम पर नहीं लिया जाएगा। नहीं, अभी कुछ ले रहे हैं जैसे उसके आधार पर वो कुछ अपना विकास करते हैं, कमेटी उसका SMDC कमेटी जो है ना जी, उसमें 18 सदस्य वो कमेटी होती है जी, वो कमेटी यदि पास करती है तो ये कुछ ले सकते हैं 150 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं। तो कुछ ऐसे अभी 200 रुपए ले रहे हैं, और एक साल का जहां तक मेरे पास जो कागज है उसमें से 5200 रुपए एक क्लास का आया है 2021 में, जो रिसीव इन्होंने एक साधारण कागज में दिया है कि हमने पाया 5000 रुपए, तो सर ये कहाँ खर्च किया जाता है कैसे लिया जाता है कुछ इसका तो लेखा जेखा रखना पड़ेगा इनको। बिल्कुल रखना पड़ेगा, आप बल्कि ऐसा करिए मुझे कंप्लेन कर दीजिए, मैं पूरी जांच करा लेता हूँ इनकी। नहीं तो मैं खबर चलाता हूँ, अगर इसमें से कुछ आपको ऐसा लगता है तो पूरे जिले में अगर ऐसा सर होगा कि एक क्लास से अगर 200-200 लड़के हैं अगर 200-200 रुपए लिया जाता तो लाखों करोड़ों में होता है पूरे जिले में अगर इस तरह से लिया जा रहा होगा जिसका हिसाब किताब ना दिया जा रहा होगा। नहीं, अब उसमें ये है कि इनसे नहीं बल्कि इनके अभिभावक से स्वेच्छा से जो देना चाहे उसे ले सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते इनको। अब 200 रुपए के लिए सर कोई मजबूरी में क्यों अभिभावक कहेगा कि हमसे जबरदस्ती लिया गया है, पर शुल्क के नाम पर अगर ली जा रही है तो ये तो गलत है ना, अगर नियम नहीं है निर्देश नहीं है उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता उसकी जांच की जा सकती है ना, कहाँ खर्च किया गया कैसे लिया गया कौन ले रहा है।
बिल्कुल, इसका आप कंप्लेन कर दीजिए, हमारे व्हाट्सएप में डाल दीजिए, हम इसकी जांच करा लेते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।